तो हेलो गायज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और गायज, आज हम जा रहे हैं बहुत ही पवित्र स्थान पे, पंचवटी, जहां माता सीता की गुफा है, जहां पे माता सीता रहते थे कुटिया के अंदर। तो आज मैं आपको लेके चलता हूं वहीं पे, और हमारा सफ़र स्टार्ट होता है। अभी हूं मैं मुंबई में दादर रेलवे स्टेशन पे। दादर रेलवे स्टेशन से पहले हम जाएंगे साईं बाबा के दरबार में शिरडी, शिरडी से होते हुए नासिक, और नासिक में मैं आपको दिखाता हूँ पंचवटी में, जहाँ माता सीता की गुफा थी। तो चलो गाइस, चलते हैं शिरडी। और गाइस, 4 घंटे का सफ़र करने के बाद मैं पहुंचा हूं साई नगर शिरडी रेलवे स्टेशन पे। अभी यहां से जाऊंगा शिरडी में, जहां पे साई बाबा का मंदिर है। तो अभी चलते हैं गाइस, चलो। और गाइस, मैन मंदिर तक जाने के लिए रेलवे स्टेशन से निकलते ही हमें ऑटो वगैरह मिल जाते हैं, जो कि 20 रुपये चार्ज लेते हैं। तो मैंने भी यहाँ पर ऑटो लिया और सीधा पहुँचा। तो गाइस, सुबह के 4 बज चुके हैं और मैं पहुंच चुका हूं साईं बाबा के मंदिर में यहाँ। और अभी तो यहाँ पे लाइन वगैरह स्टार्ट नहीं हुई है, तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ पे, देखता हूँ कहीं पे रूम वगैरह मिला तो। फाइनली गाइस, मैं आरती वगैरह लेके दर्शन वगैरह करके आ गया हूँ, क्योंकि अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है। और अभी दर्शन वगैरह करके आया हूँ, तो मैं यहाँ का व्यू दिखाता हूँ किस तरीके का है यहाँ पे। और गाइस, स्टार्टिंग में मंदिर की एंट्री पे लिखा हुआ है सेल्फी पॉइंट आई लव साईं बाबा का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग बहुत सारी सेल्फियाँ लेते हैं। और गाइस, ये है साईं बाबा का मेन मंदिर, जहाँ पे उनका समाधि स्थल है। तो आप देख सकते हैं गाइस, पूरा गोल्ड का है ये। और गाइस, मंदिर से बाहर निकलते ही आपको इस तरीके की शॉप्स मिल जाएंगे, जो भी आप अपने फैमिली के लिए गिफ्ट्स वगैरह लेना चाहें तो आप यहां से ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं गाइस, पूरी बड़ी मार्केट है। और गाइस, जो ठीक सामने आप देख पा रहे हैं, ये है एग्जिट पॉइंट, गेट नंबर 4। घूम के आगे से घूम के आके, दर्शन करके आके, यहाँ से एग्जिट होती है। तो आप देख सकते हैं। और गाइस, ये देख सकते हैं आप सामने कितनी सुंदर और कितनी भव्य और कितनी बड़ी साईं बाबा की मूर्ति बनाई गई है यहाँ रोड के ऊपर। अभी इसका अनावरण नहीं हुआ है, इसको भी अभी टाइम लगेगा, ये पूरी फिनिश हो जाएगी, तो इसका बहुत ही मस्त व्यू आने वाला है। और गाइस, सुबह के टाइम में शिरडी के रोडों का इस तरीके का कुछ हाल है, बिल्कुल छीड़ है। अभी तो सुबह के 7 बज रहे हैं और अभी कुछ भी भीड़ भाड़ नहीं है। और गाइस, अभी दर्शन करके तो आ गया, अभी कहीं नाश्ता करूँगा और नाश्ता करने के बाद मिलता हूँ मैं आपसे। और देख सकते हैं शिरडी में सुबह सुबह भाई बिल्कुल खुले दर्शन हुए हैं, और सुबह के टाइम पे आने का ही मज़ा है। मैं यहाँ पे पहुँच गया था 4 बजे, और 4 बजे दर्शन वगैरह करके अभी मैं हो चुका हूँ फ्री, और अभी करूँगा मैं नाश्ता। सही टाइम से हो गए दर्शन मेरे। और गाइस, मैं जब से महाराष्ट्र आया हूँ, जब से मैं एक चीज़ का फ़ैन हो गया हूँ भाई साहब, मैं इतना भज्जी पाव बोलते हैं इसको, बटाटा भज्जी पाव का फ़ैन हो चुका हूँ भाई। हाँ, सुबह से लेकर शाम तक मेरे को ये तो खाना है ही है भाई, बहुत मस्त लगता है खाने में। तो भज्जी पाव अभी मैं नाश्ते में खाऊंगा, तो फिर आगे चलेंगे पंचवटी सीता माता की गुफा के पास। तो गाइस, शिरडी में दर्शन करने के बाद अभी मैं पहुंच चुका हूँ पंचवटी, जहाँ माता सीता की गुफा थी, जहाँ पे पंचवटी में माता सीता ने 14 वर्ष का वनवास के समय पे यहीं पे रहे थे माता सीता जी। तो अभी मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ कैसा क्या सीन है यहाँ पे। और गाइस, रास्ते में पड़ता है श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर, और ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। और गाइस, नासिक में पंचवटी स्थान पे जो गोदावरी नदी है, मैं गोदावरी नदी के तट पर पहुँच गया हूँ गाइस, और यहाँ से गोदावरी नदी का बहुत ही सुंदर दृश्य आ रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ गोदावरी नदी, ये देखिएगा इस पीछे जो बह रही है, ये है गोदावरी नदी। तो फाइनली गाइज, मैं पहुंचने वाला हूं माता सीता की गुफा के पास, जो कि पंचवटी में है और थोड़ी दूरी पर रहेगा। और इस तरीके के यहां पे घर हैं, जैसे कुटिया टाइप में भी अभी भी आज भी उस तरीके के घर बने हुए हैं, आप सामने भी देख सकते हैं, वहां पे भी कुटिया टाइप का ऐसे घर बना हुआ है। तो अभी पहुँचते हैं। तो ये देखिए गाइज, यही वो 5 वृक्ष हैं
जिनको पंचवटी बोला जाता है। पंचवटी का मतलब है पांच वट के वृक्ष, वट मतलब बरगद का पेड़। तो पांच यहाँ पे लाइन में ये नंबर भी डाल रखे हैं, आप सामने देख पा रहे होंगे, 5, 4, 3, 2, 1 किस तरीके से करके इनकी नंबरिंग कर रखी है। और ठीक सामने है माता सीता की गुफा, तो अभी चलते हैं अंदर, आपको मैं लेके चलता हूँ माता सीता की गुफा में। तो फाइनली गाइस वो टाइम आ गया है जो आप बिल्कुल साक्षात माता सीता की गुफा के दर्शन करेंगे। और मैं अंदर आ चुका हूँ माता सीता की गुफा में, और सामने लक्ष्मण जी, राम जी और माता सीता के साक्षात दर्शन होंगे, आप देख सकते हैं गाइस। और गाइस इसी गुफा के अंदर है साक्षात शिव जी का शिवलिंग, जिसे आप सामने देख पा रहे हो। इतनी शंकर और इतना भीड़े रास्ते के अंदर कैसे ये शिवलिंग बनाया होगा उस टाइम का, पुराने टाइम का, पुरानी चीज़ें हैं गाइस ये। और आप देख सकते हैं, मैं आपको ये पांच के पांच वृक्ष दिखाता हूँ सीता गुफा के पास में, 2, 3 ऐसे इन पर नंबरिंग कर रखी है, जिससे लोग पहचान पाए कि हाँ यही वो स्थान है पंचवटी, जहाँ पे ये पाँच वट के वृक्ष हैं, अमर हैं ये आज भी, तो ऐसे कैसे बने हुए हैं। तो फाइनली गाइज मैं इस व्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड, और कल के व्लॉग में आपको बहुत ही मस्त मस्त चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। और क्योंकि इस स्थान में भाई साहब इतने रहस्य छिपे हुए हैं ना गाइज, जिसकी कोई हद नहीं है। क्योंकि गाइज इसी स्थान पे रामायण का मुख्य सार जो है, जिससे माता सीता का हरण हुआ, जिसमें लक्ष्मण रेखा खींची गई, बहुत सारी ऐसे रहस्य हैं जो आज भी यहाँ पे हैं, तो मैं आपको सब दिखाने वाला हूँ। तो गाइस जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर देना, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।